हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और नेटवर्किंग में इसका क्या रोल होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर हमने दो लाइन में डिफाइन करना हो तो एक आप इस तरह से इसे समझ सकते हो, बोल सकते हो कि वन और मोर योर नेटवर्क कंप्यूटर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर रेस्टेड और प्लेस्ड ऑन द इंटरनेट। मतलब क्या है कि आपकी जो नेटवर्किंग की जो रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपका ईमेल सर्वर है, मान लीजिए आपका प्रिंटर सर्वर है, वो आप के रिसोर्स कहां पर सिचुएटेड है, कनेक्टेड है क्लाउड पर। तो इस तरह से जो आपकी हमारी रूटीन की जो सर्वर्स की ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि एज ए फाइल स्टोरेज देना, प्रिंटिंग सर्विस देना, ईमेल सर्वर की ईमेल की सर्विसेज देना, जब उन सारी सर्विसेज को हम लोग क्लाउड के थ्रू यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे आप पढ़ भी रहे हो, द क्लाउड रिप्रेजेंटेड ए न्यू वे ऑफ हैंडलिंग कॉमन कंप्यूटर टास्क। ओके, तो आपको कुछ ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे आपका क्लाउड हमारी ट्रेडिशनल ढंग से अलग है। अगर हम ट्रेडिशनली ईमेल सर्विस को देखें तो ईमेल सर्विस बाय इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑन लोकल सर्वर, देन योर क्लाइंट्स कैन कनेक्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक टू कनेक्ट टू द एक्सचेंज सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। जैसे कि अगर हमने ईमेल सर्विस हमारे नेटवर्क में बनानी है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे सर्वर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू एक्सचेंज सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और वहीं से हम लोग मेल्स को सेंड और रिसीव करते हैं। और क्लाउड में ये क्या होता है कि इंटरनेट बेस्ड ईमेल प्रोवाइडर जस्ट सच एज गूगल मेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन। तो क्लाउड में क्या होता है कि जो हमारा ईमेल का प्रोवाइडर होता है वो आपका कौन होता है, इंटरनेट बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल गूगल की ईमेल सर्विस या माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज ऑनलाइन। यहां पर जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमसे एक लो मंथली पर यूजर फीस चार्ज करता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या आ गया, डिस्क स्टोरेज। जो हमारी डिस्क स्टोरेज होती है उसमें ट्रेडिशनल वे में हम लोग क्या करते हैं कि सेटअप पे लोकल सर्वर कंप्यूटर विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर्ड डिस्क स्पेस, कि हम लोग एक लोकल सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें हम 1 TB टू टीबी स्टोरेज हमारे क्लाइंट्स के लिए कॉन्फ़िगर और सेटअप करते हैं। क्लाउड में क्या होता है कि आपको एक साइन अप करना होता है इंटरनेट फाइल स्टोरेज सर्विस में और वहां पर हम सारा अपना डाटा इंटरनेट पर स्टोर करते हैं। और ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जो होता है ये आपसे एक स्मॉल मंथली पर गीगाबाइट फीस चार्ज करता है। तो इस तरह से आपके पास क्लाउड में स्टोरेज स्पेस अनलिमिटेड हो जाता है। फिर आगे की अकाउंटिंग सर्विसेज। ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं कि हम एक महंगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और फिर उसे हमारे सर्वर कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं। क्लाउड में क्या होता है कि आपको एक अकाउंट, वेब बेस्ड अकाउंट सर्विस में साइन अप करना होता है और आपका सारा डाटा ऑनलाइन वहां क्लाउड पर सेव्ड और मैनेज्ड होता है और उसे मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर की होती है हमारी नहीं।
अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट है कि ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव इन द कंपेयर ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम। ये हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग टिपिकली लेस एक्सपेंसिव होती है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के थ्रू। मान लीजिए आपने एक फाइल सर्वर इंस्टॉल करना है तो आपको पहले तो एक फाइल सर्वर सर्वर विद इनफ डिस्क स्पेस परचेज करना पड़ेगा अपने यूजर्स की नीड को देखते हुए। पहले हमने मान लीजिए 1 GB स्टोरेज के साथ सर्वर लिया और उसके बाद हमें उसी के अकॉर्डिंग एक सर्वर क्वालिफाइड कंप्यूटर चाहिए और रीजॉइंट डिस्क ड्राइव्स चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हम इस चीज पर जाते हैं कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग, तो जो आपको ऐसा सर्वर चाहिए वो आपको इंक्लूडिंग लगभग डिस्क ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस और लेबर कॉस्ट कितने का पड़ता है, लगभग $10,000 का। और हमें लगभग हर 4 साल बाद सर्वर्स को चेंज या अपग्रेड करना पड़ता है। अब मानिए कि हमारा सर्वर 4 साल के, तो आपको ये क्या कॉस्ट पड़ी, $2,500 पर ईयर। अब मान लीजिए आपने इक्वायर किया डिस्क स्टोरेज कहां से, क्लाउड बेस्ड फाइल शेयरिंग सर्विस से, और ये आपकी जो कॉस्ट है ये ट्रेडिशनल से लगभग 1/4 रह जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स कैसे अप्लाई हुई, कैसे इकोनॉमिकली सस्ता पड़ता है हमें। हमने अगर क्लाउड बेस्ड ईमेल सॉल्यूशन लिया तो आपको कॉस्ट पर है टिपिकल पर मंथ पर यूजर, जो कि आपको कम रहेगा किससे कि अगर कॉस्ट निकालें सेटिंग की और मेंटेनिंग की और प्रीमिसेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर के साथ। फिर आगे आपकी स्केलेबल। अब मान लीजिए हमने 1 TB के थ्रू या 2 TB के साथ एक फाइल सर्वर हमने इंस्टॉल किया, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे यूजर्स को रिक्वायरमेंट है कि 1 TB सफिशिएंट नहीं है, हमने स्टोरेज कैपेसिटी 2 TB खरीदा और उसके बाद जब हम अपने उसको सर्वर को एक्सपेंड कर लेते हैं तो हमारे यूजर्स बोलते हैं कि जस्ट 1 TB सफिशिएंट। तो वहां पर जो भी आपने डिस्क ड्राइव्स ली हैं उनका आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। जबकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है हमें वहां पर पे करना होता है एक्चुअली जितना आप यूज कर रहे हो उस कैपेसिटी को, स्टोरेज कैपेसिटी को। अब अगर हम फाइल सर्वर का एग्जांपल देखें तो आपने इस हिसाब से पे करना होता है कि आपका पर मंथ जो बिलिंग आएगा कि एक्चुअली आपने यूज कितना किया। तो हमें क्लाउड में ये नहीं जरूरत होती कि हमें परचेज करनी ही पड़े। फिर आगे रिलायबल। अब मान लो आपका कोई छोटा बिजनेस है तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए मच रिलायबल है किससे, इनहाउस सर्विस के। अब जब ये बुक के राइटर की वर्डिंग है कि जब इन्होंने ये चैप्टर लिखा लगभग तभी की बात है कि उनके एक दोस्त का बैकअप ड्राइव नहीं ले पाया, वो बैकअप फेल्ड हो। उसका रीजन क्या था कि उनकी जो बैकअप टेप ड्राइव था वो खराब हो गई और उसे 3 दिन रिपेयर को लगे। अगर यहाँ पर हम क्लाउड बेस्ड बैकअप यूज करते हैं तो हमें उस टेप ड्राइव की वजह से 3-4 दिन प्रॉब्लम नहीं आनी थी, हम अपना बिना टाइम लॉस किए बैकअप ले सकते थे और उस बैकअप को जब भी जरूरत है रिस्टोर कर सकते थे। ठीक है,
लेकिन तो इसके बिना जो आपका ये सर्विस है क्लाउड बेस्ड, ये एक हैशल फ्री है, क्योंकि जब हमने कोई भी हमारे पास सर्वर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन्हें हमने हमें उनकी मेंटेनेंस चाहिए, अपग्रेडेशन है, जैसे हम मेंटेनेंस में पैच है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर के मेंटेनेंस है और बैकअप है। इस तरह से आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्लाउड में नहीं आती, क्योंकि ये सारी चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर होता है उसकी होती है। फिर ग्लोबली असेसिबल, अगर आपने ये क्लाउड के बहुत ही बढ़िया फीचर है, अगर आप क्लाउड पे यूज कर रहे हो तो आपको क्या है कि हर एक सर्विस के लिए एक ऑफलाइन सर्वर चाहिए, और उस अब मान लीजिए आपके दो से ज्यादा सिटीज में अगर ऑफिसेज हैं हमारी कंपनी के, तो हमें हर सिटी में अलग अलग एक अलग सर्वर चाहिए होगा, और उनको केयरफुली डिजाइन करना पड़ेगा कि ना जो एक दूसरे के ऑफिस को वो हम लोग असेस कर सकें। बल जबकि क्लाउड में क्या होता है कि आपका सारा डाटा ऑनलाइन इंटरनेट पर क्लाउड स्टोर है, उसे आप क्लाउड एप्लीकेशन के थ्रू ग्लोबली कहीं से भी असेस कर सकते हैं। बाकी इसकी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, उनके बारे भी हम थोड़ा बात करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कुछ अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है, जहाँ जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेशंस हैं, उनका जो डाटा है वो आप पिछले कुछ सालों से यूज कर रहे हो और वो डाटा भी आपको चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि जब हम क्लाउड पर शिफ्ट करते हैं तो हमें वो सारा सिस्टम क्लाउड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करवाना पड़ता है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनका डाटा क्लाउड के लिए कन्वर्ट हो जाता है, बट कुछ का नहीं हो पाता, तो उस वजह से एक ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। सेकंड क्या है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड, जब आप क्लाउड पर काम करते हो तो क्या होता है कि आपका टोटली जो बर्डन है नेटवर्क का वो सारा इंटरनेट कनेक्शन पर आ जाता है, तो उस वजह से आपको जो स्पीड है वो फास्ट चाहिए। अगर आपका नेटवर्क इंटरनेट स्लो है तो यहाँ पर भी थोड़ी हमें समस्या आती है। फिर आ गया आपका कनेक्शन की रिलायबिलिटी, क्योंकि हमने अपना सारा डाटा, हमने रिसोर्सेस क्लाउड के थ्रू असेस करने हैं, और अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है तो ये एक वर्नरेबिलिटी है हमारे नेटवर्क के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर ये किसी रीजन की वजह से फेल होता है तो हमारा टोटल काम सारा रुक जाएगा। अगर आप ऐसी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो जो मिशन क्रिटिकल है तो आपका सारा काम हाल्ट हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जब तक आपका कनेक्शन रिस्टोर नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास दो ढंग है कि हम कैसे इस रिस्क को कम कर सकते। एक तो क्या है कि आप इंटरप्राइज क्लास इंटरनेट कनेक्शन यूज कीजिए, जो कि हाई एंड फास्ट कॉर्पोरेट कनेक्शंस होते हैं, जो मोर टॉलरेंट होते हैं फॉल्ट के लिए, और वहां पर हमारे पास सर्विस भी उनकी बेटर होती है। सेकंड क्या है कि आपके पास दो कनेक्शन हो, अगर आपका एक कनेक्शन फेल होता है तो आप अपना सारा रू ट्रैफिक अल्टरनेटिव कनेक्शन के थ्रू क्या कर सको, फॉरवर्ड कर सको, चला सको, रूट कर सको। फिर आगे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। जब हम क्लाउड्स पर काम करते हैं, हमारी एप्लीकेशन, हमारे डाटा क्लाउड पर होता है, तो अगर उस सर्वर के साथ कुछ भी होता है, अगर वो सर्वर एक्सपोज्ड हो जाता है, हैकर्स उसे हैक कर लेते हैं, तो आपका टोटली जो डाटा है वो भी उसके साथ ही एक्सपोज हो जाएगा।
इसलिए इससे बचने का सबसे बेहतर टर्न क्या है कि आप अपने डाटे पर, आप अपनी एप्लीकेशंस पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अप्लाई करते रहते हैं। बाकी हम इसकी बेसिक काइंड्स को, टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सब फर्स्ट है इसमें एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसको शॉर्ट में SaaS बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक फुली फंक्शनल एप्लीकेशन होती है जो क्लाउड के थ्रू हमारे लिए असेसिबल होती है। इसका एक एग्जांपल है गूगल का जी सूट, और ये इसको अगर देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट की जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस है ऑफिस की, उन सारों का एक बदल, एक चेंज मिल जाता है जो कि आप क्लाउड के थ्रू यूज करते हो, और डाटा आपका इंटरचेंजेबल है। जैसे अगर मान लीजिए आप गूगल की गूगल शीट्स में काम कर रहे हो ऑनलाइन, और कभी आपने उसको अगर ऑफलाइन एक्सेल में खोलना है, तो वो डाटा आपका असेसिबल है, कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास सर्विस होती है क्लाउड की, वो होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है कि हमें एक रिमोटली वर्चुअल ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जहां से हम उसे अपनी किसी भी एप्लीकेशन को वहां पे डिप्लॉय करके फुली यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके पास अपनी कंपनी की कोई वेबसाइट है, तो वो एक्चुअल में उसके लिए जहां पर आपने उसे होस्ट करवाया हुआ है, वो आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के थ्रू ही होता है। वहां पर तकरीबन सारी वेब होस्ट प्रोवाइडर्स के थ्रू ये फंक्शनिंग करता है, जैसे लिनक्स हो गया आपका, उसके वहां पर हमारे पास अपाचे और माई एसक्यूएल वगैरह, ऐसी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी प्रोवाइड होती है। थर्ड हमारे पास जो इसकी टाइप होती है क्लाउड की, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इसको क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर एड ए सर्विस बोलते हैं। यहाँ पर हमें क्या है कि एक रॉ कंप्यूटिंग प्रोवाइड की जाती है प्रोवाइडर के द्वारा, जिसे हम क्लाउड के थ्रू असेस कर सकते हैं। तो एक तरह से ये आपकी रिमोट वर्चुअल मशीन होते। फिर हमारे पास इसकी दो टाइप, एक तो होगी इसकी वर्किंग अकॉर्डिंग, और दूसरी टाइप होगी इसकी पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि जहां पर आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी, एनीवन इन द वर्ल्ड, इंटरनेट के थ्रू आप क्लाउड सर्विसेज को असेस कर सकते हो। जी सूट इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आपने अगर इसको देखना है, चेक करना है, तो आप ये वेबसाइट है gsgsuit.google.com, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ पर पे एज यू गो बेसिक आपने इसको उनको पे करना होता है। बट पब्लिक सर्विस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये कम सिक्योर्ड होते हैं, वर्नरेबल होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि आज के टाइम में दुनिया में बहुत सारे हैकर्स बैठे हैं, जिनका मेन काम ही ये है कि कैसे वो इन कंपनीज के बैकडोर्स सिक्योरिटीज में वर्नरेबिलिटीज ढूंढे और आपका और उन कंपनीज के डाटे को असेस कर। बाकी हमारा प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि जब हमें क्लाउड कंप्यूटिंग इंप्लीमेंटेड ऑन प्राइवेट हार्डवेयर विद इन ए लोकल नेटवर्क, कि आपको एक डेडिकेटेड प्राइवेट हार्डवेयर प्रोवाइड किया जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के, और ये सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पर जनरल पब्लिक को असेस नहीं होती है, ठीक है। और ये पब्लिक इंटरनेट के थ्रू नहीं चलता, तो यहाँ पर आपका डाटा सिक्योर रहता है, और इसे खुद क्लाउड के जो सर्वर है उनके द्वारा मेंटेन
किया जाए। बाकी इसके अलावा एक और नई सर्विस है हाइब्रिड क्लाउड। ये क्या है कि ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों की फीचर्स को यहाँ पर कंबाइन किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं कि हमारे मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन। इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो क्या है कि आपका अमेजॉन है। अमेजॉन की अमेजॉन वेब सर्विस होती है और इन्होंने 2006 में स्टार्ट किया था, तब से लेकर लाखों हजारों कस्टमर्स इनके साथ साइन अप हुए। इनकी कुछ ये चार पांच तरह की सर्विस देते हैं। फर्स्ट के अमेजॉन क्लाउड फ्रंट, ये जो हमारी पास सर्विस थी ये सेम उसी की तरह है। इसका काम क्या है कि इसने वेब कंटेंट्स को डिलीवर करना है यूजर्स को। सेकंड है इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड, इसको हम लोग EC2 भी बोल देते हैं। ये आपका जो LS सिस्टम था वो ये है, इसमें रा कंप्यूटिंग पावर्स आपको मिलते हैं। IaaS अमेजॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस में क्या है कि इसे S3 भी बोला जाता है। ये आपको वेब बेस्ड स्टोरेज देता है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। फिर आपकी नेक्स्ट सर्विस आ गई सिंपल क्यू सर्विस, ये आपको इसको हम SQS भी बोल देते हैं। इसका काम क्या है कि इसने डाटा ट्रांसफर करवाना है सिस्टम्स के बीच में फॉर मैसेजिंग और एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन को मैसेजिंग। इससे क्या है कि एप्लीकेशंस इंटर मैसेजिंग करती हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ गया वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये आपका एक तरह से जैसे हमारी लोकल लैन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग होता है, ये क्लाउड में हमारा एक वर्चुअल प्राइवेट कनेक्शन होता है। सेकंड आ गया आपका गूगल। गूगल क्या है कि ये इनका सेकंड लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें फर्स्ट आपके जी सूट आ गया। जी सूट मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये रिप्लेसमेंट है एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। यहां से आपको बेसिक ईमेल, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग डाटाबेस फंक्शंस मिलते हैं। जी सूट एक फ्री टू जर्नल पब्लिक यूज के लिए सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको हम बोल सकते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए अप टू 50 यूजर्स। बाकी इसका एक एडवांस्ड वर्जन भी आता है जी सूट फॉर बिजनेस, जहां पर जी गूगल आपसे $5 पर मंथ पर यूजर के हिसाब से चार्ज करता है। और हमें एक एक्स्ट्रा फीचर मिलती है कि 25 GB ऑफ ईमेल डाटा पर यूजर। ये आर्चिविंग वगैरह एडवांस्ड ऑप्शंस वगैरह हमारे अकाउंट पॉलिसी के ऐसे कुछ। फिर आपका गूगल ड्राइव आ गया नेक्स्ट। ये क्या है कि आपको गूगल क्लाउड पर एक डाटा स्टोरेज के लिए स्पेस देता है। आप उसे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस या सीधा किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका गूगल ऐप इंजन। ये आपकी प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस है जिसको जहां पर आप अपने खुद की डेवलप की हुई एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर गूगल क्लाउड प्रिंट आ गया, यहां पर हम लोग अपने प्रिंटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और थ्रू आउट वर्ल्ड ग्लोबली कहीं से भी उन्हें असेस किया जाता है। बाकी गूगल मैप आ गया, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह पहले से ही पता है। नेक्स्ट आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट की एक अपनी खुद की क्लाउड की स्ट्रेटजी है। इन्होंने इसको किस लिए डिजाइन की है कि पार्ट टू प्रोटेक्ट इट्स कोर बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस एप्लीकेशन अगेंस्ट कंपटीशन फ्रॉम अदर क्लाउड प्रोवाइडर सच एज गूगल ऐप। तो गूगल ऐप और जो आपके अमेजॉन वगैरह
दूसरे क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके अगेंस्ट या उनके कंपटीशन में इन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम दिए हैं। इनका फर्स्ट है ऑफिस 365। यहाँ पर एक तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम इसे क्लाउड बेस्ड वर्जन बोल सकते हैं। आप इसे थ्रू आउट वर्ल्ड इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी अपने डाटे को हमें एक्सेस कर सकते हो। सेकंड क्या है आपका, विंडोज एजोर। ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस है। यहाँ पर अपना आप अपनी वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हो, वर्चुअल मशीन्स आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो, जो कि आपकी चाहे सर्वर्स बेस्ड हो चाहे लिनक्स बेस्ड हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि आपने क्लाउड के अंदर जाना है, तो उससे पहले हमें कैसे कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप क्लाउड पर मूव करना चाहते हो तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन फास्ट चाहिए, बढ़िया रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है कि अगर कैसी एप्लीकेशंस को आप यूज करना चाहते हो, ताजो जिस तरह का आपका यूजेज है, मान लीजिए आपने जीमेल है, ठीक है, तो जीमेल की जगह आप एक्सचेंज पर मूव कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट अपना ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज है। अगर आप सिंपल नेटवर्क में एक्सचेंज सर्वर यूज कर रहे हो तो आप गूगल के जी सूट पर भी आप मूव कर सकते हो। तो इस तरह से जो सर्विस आप प्रोवाइड इस समय यूज कर रहे हो, देखकर कि उसके साथ की जो सर्विस है, एक आपने पहले ये थोड़ा होमवर्क करना। नेक्स्ट है कि डोंट मूव टू द क्लाउड एट वंस। हमेशा एक इसी में भी जिंदगी में कोई भी काम करना है तो ये आपने ध्यान रखना होता है कि एकदम अगर हम नए सिस्टम पर जाते हैं तो पुराने को हमें एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप दोनों चीजों को पैरेलली रखकर टेस्ट करके फिर धीरे धीरे अपना सारा काम शिफ्ट कीजिए क्लाउड पर। फिर आपने जब भी क्लाउड के लिए सर्विस चाहिए आपको, तो आपने जो अच्छे रिप्यूटेड कंपनीज है, क्योंकि बहुत ही हजारों कंपनीज है इस समय जो क्लाउड के लिए आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है, बट आपने अच्छी कंपनी गूगल अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही आपने डील करना है, इनकी ही क्लाउड सर्विसेज को आप यूज करें ताजो आपका डाटा सेफ है। इसके बाद रिसर्च है कि आपने जब भी क्लाउड में मूव करना है तो पहले कुछ आप अपना होमवर्क कीजिए। ये कुछ बुक्स के नाम दे रहा हूं मैं, बहुत अच्छे राइटर्स की हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने क्लाउड के बारे में इन बुक्स में डिस्क्राइब किया है, तो आप थोड़ा इसे स्टडी भी करें। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग इन कंप्यूटर्स नेटवर्क। तो वीडियो कैसी अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसके बिना जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल भी और आइकन भी दबाएं, ताजो इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिलते हैं। थैंक यू। हाँ जी।